हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप सब लोगों को अभी तक पता लग गया होगा, 21 दिनों का लॉकडाउन हो चुका है पूरे इंडिया में। सब लोग घर पे हैं एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं डेली बेसिस पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस निकालूं। अब एक तो हो गया फोटोग्राफी सीखना या करना, बट जैसे कि मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में बोलता हूँ कि एक फोटोग्राफर का काम, स्पेशली प्रोफेशनल फोटोग्राफर का काम, सिर्फ फोटोग्राफी करना नहीं होता, उससे और भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। मैं इस वीडियो में 5 ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जिनके ऊपर मैं पर्सनली भी एज अ फोटोग्राफर वर्क कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ इन चीज़ों को, एंड मैं चाहता हूँ आने वाले 20-21 दिन में आप भी उन 5 चीज़ों पे काम करो टू इम्प्रूव योरसेल्फ एज अ फोटोग्राफर। सबसे पहली चीज़ है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक फोटोग्राफर हो, वो आपको पता है या आपके फ्रेंड्स या फैमिलीज को पता है, बट उसके बाहर जो इतने लोग हैं, इंडिया में 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, एंड आप अगर फोटोग्राफी कर रहे हो, आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचे, तो आपको क्या करना है, आप एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं हो, सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी चाहिए वो है इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाओ, अपना पूरा पोर्टफोलियो वहाँ पे डालना स्टार्ट करो, बिकॉज इंस्टाग्राम एक फ्री का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हो, अपना काम दिखा सकते हो, अपने क्लाइंट्स भी इंस्टाग्राम के थ्रू आपको मिल सकते हैं। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो प्रोफेशनली लीड्स इंस्टाग्राम से ले रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जाओ और अपनी डिजिटल मार्केटिंग या जो आपकी मार्केटिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करो, वेबसाइट बनाओ, काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे आप वर्क कर सकते हो। सो अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे काम करना आपका सबसे पहला एम होना चाहिए इन 20-21 दिनों में, ताकि आप एज अ फोटोग्राफर इस्टेब्लिश हो सको। दूसरी चीज़ जिस पे मैं भी पर्सनली काम कर रहा हूँ वो है पुरानी फ़ोटोज़ या कंटेंट को रिविजिट करना, रिव्यू करना, जो भी आपने पुराना शूट करा है। बिकॉज सबसे बड़ा इशू क्या होता है, आजकल हमारे पास टाइम नहीं है, हम शूट्स पे जा रहे हैं, हम फोटो जो क्लिक कर रहे हैं, ऑलरेडी क्लिक की हुई इमेजेस ही हम एडिट नहीं कर पा रहे, तो पुराना बैकलॉग हम कहाँ से देखेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, अब पुराना जो स्टॉक है फ़ोटोज़ का वो निकालो, रिविजिट करो, ट्रस्ट मी कुछ ऐसी फ़ोटोज़ मिलेंगी, मुझे पर्सनली मिली हैं, जो आप वापस अपने पोर्टफोलियो के लिए यूज़ कर सकते हो। या फिर अभी बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया मेरे को मिला था, मैं इंस्टाग्राम लाइव कर रहा था आज एंड एक पर्सन ने मुझे पूछा स्टॉक फोटोग्राफी के बारे में। सो अच्छी चीज़ क्या है, जो आपकी पुरानी फ़ोटोज़ हैं उनमें से आप कुछ ऐसी फ़ोटोज़ निकाल सकते हो जो स्टॉक वेबसाइट पे डाल के आप उनको सेल कर सकते हो और आप उससे अर्न कर सकते हो एज़ अ फोटोग्राफर। स्टॉक वेबसाइट्स के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, पुरानी इमेजेस में आपका काफ़ी स्टॉक ऐसा निकल सकता है जिसको आप सेल कर सकते हो स्टॉक वेबसाइट्स पे। तीसरी चीज़ जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है एडिटिंग सीखो, चाहे आप यूट्यूब वीडियोस देखो, आर्टिकल्स पढ़ो, खुद एक्सपेरिमेंट करो, बिकॉज जब तक आप खुद प्रैक्टिकली एडिटिंग नहीं करोगे, देख देख के आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आपकी हेल्प के लिए मैं एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आई कार्ड में, जहां मैंने जितनी एडिटिंग की वीडियोस करी हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। स्टार्ट करो, बेसिक्स भी हैं, एडवांस भी हैं, आप सब खुद से ट्राई करो एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एडिटिंग इम्प्रूव कर लोगे तो एक फ़ोटो अगर यहाँ पे है जो आपने शूट करी, आप उसको यहाँ ले जा सकते हो अच्छी एडिटिंग करके। सो ट्राई करो, आप कुछ नया सीखो। अब जैसे मुझे फ़ोटो एडिटिंग मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग में मेरे को चाहिए था कि मैं इम्प्रूव करूँ, अभी टाइम है तो मैं वीडियो एडिटिंग में काफ़ी नई चीज़ें सीख रहा हूँ। चौथी चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है मैनुअल मोड सीख लो, अगर अभी तक आपको नहीं आता। एपर्चर, शटर स्पीड, ISO, लो लाइट फोटोग्राफी, सब कुछ आप घर पे अपने एक रूम में ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक दिन सिर्फ एपर्चर पे जाओ, अलग अलग एपर्चर्स में कुछ भी एक प्रॉप लेके रख दो, उसकी फ़ोटोज़ लेते रहो। मैंने अभी प्रैक्टिकल वीडियो डाला था एपर्चर का, उससे आप सीख सकते हो। एक दिन एपर्चर, एक दिन शटर स्पीड, एक दिन ISO, एक दिन सिर्फ वाइट बैलेंस के साथ प्ले अराउंड करो, देन 4-5 दिन के बाद आप सिर्फ मैनुअल मोड पे जाओ और सारी सेटिंग्स को डाल के शूट करो। ट्रस्ट मी, अगर आप मैनुअल मोड अभी तक नहीं सीख पा रहे थे, ये टाइम है जहाँ पे आप कर सकते हो। एपर्चर, शटर स्पीड, ISO, वाइट बैलेंस, और इन चारों को साथ में यूज़ करना आपको ये सीखना है, इसके बाद आप मैनुअल मोड को एकदम मास्टर कर सकते हो। अब फिफ्थ और लास्ट चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है अपनी फ़ोटोज़ या अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करो।
बहुत बार क्या होता है, हमारी अलग अलग हार्ड ड्राइव्स हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, पेन ड्राइव्स हैं, कोई डेटा किसी में है, कोई किसी में है, आपको भी नहीं पता कि ये जो आपने शूट करा था वो किस हार्ड ड्राइव या मेमोरी कार्ड में डेटा है। एक फोल्डर बना दो, चाहे आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में, जहाँ पे आप अच्छे से सेग्रीगेट कर दोगे। मैं क्या प्रेफर करता हूँ, दो तीन हिसाब से आप इमेज को सॉर्ट कर सकते हो। पहला हो सकता है आप लोकेशन के हिसाब से कर सकते हो, या अगर आप ज़्यादा फैशन शूट्स करते हो तो पर्सन के नाम से सेव कर सकते हो, डेट के हिसाब से आप सेव कर सकते हो। सेग्रीगेट करो इमेज को, अलग अलग सॉर्ट कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको कुछ इमेज निकालना है, आपका डेटा पूरा सॉर्टेड है, आप सीधा उस डेट पे जाओगे, उस फोल्डर में जाओगे, वो इमेज पे जाओगे और उसको आप एडिट कर सकते हो, या जो भी आपको करना है आप डेटा निकाल सकते हो। तो ये पांच या छह चीज़ें थी जो कुछ मैं खुद प्रैक्टिस करूँगा, एंड आई वॉन्ट आप लोग भी साथ साथ करो। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आप आगे शेयर कर सकते हो, सो दैट आपके सर्कल में अगर किसी के पास कैमरा है या फोटोग्राफी करता है, उसको इस वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट, ऑलमोस्ट कल शायद वीडियो एक और आएगा, आई सी यू इन दैट वीडियो। और एक फोटो कॉन्टेस्ट मैंने किया हुआ है, 15 तक है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, या मेरे वीडियोज़ में जाके देख लेना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।